हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज किस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं शॉर्ट टर्म जो कि कोर्स होता है। कुछ स्टूडेंट के डाउट थे, मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया था, जो जो डाउट आए उनका मैं रिप्लाई करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो स्टूडेंट का ये डाउट था कि इसमें एडमिशन किस प्रकार ले सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है एंड एडमिशन कब से ले सकते हैं, जैसे कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो बहुत से स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म कोर्स में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस स्टूडेंट के जो भी नियर बाई कॉलेज है उसमें विजिट करें। डायरेक्ट ऑफलाइन आप लोग जा सकते हैं, ऑनलाइन इसका प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन प्रोसेस के कॉल से भी आप बात कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, लेकिन हमारी जो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप उस कॉलेज में जाएँ, वहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन लें, फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। आपके डॉक्यूमेंट जो भी लगेंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल सीपैट ज्ञान नाम से ही है, उस पर अपलोड कर दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट बेसिकली ये सभी हैं। और एक डाउट ये भी था कि जनरल वालों का क्या इसमें नहीं होता है एडमिशन शॉर्ट टर्म में, तो सभी का होता है। इनकम सर्टिफिकेट आप लोग मस्ट है जो जनरल कैटेगरी से बनवा लें, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और आय जात मूल निवासी, ये जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट हैं आप वो सभी रेडी रखें, ये लगेंगे, जाति जनरल वालों की नहीं लगती है। और इसमें एडमिशन देखिए हर महीने होता है, बस आप जो जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में आप जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। जब भी आपका न्यू स्टार्ट होगा आपको कॉल किया जाएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट पहली बार तो आप कंप्लीट लेकर जाएं, और नहीं भी ले जाते हैं तो पहली बार आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा सकते हैं, फिर सेकंड जब आप जाएं एडमिशन लेने तब वहां पर जमा कर सकते हैं। हर मंथ इसका एडमिशन होता है सीपैट में शॉर्ट टर्म कोर्स का, और बिल्कुल फ्री होता है। इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, 100% प्लेसमेंट भी होता है। और एक सेकंड चीज़ ये है, देखिए जैसे कि इसमें दो प्रकार से एडमिशन मिलता है, एक आवासीय है एक गैर आवासीय, यानी कि एक में आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें जब हॉस्टल प्रोवाइड होगा तो क्लियर सी बात है आपको मैस भी मिलेगी, मैस इन द सेंस यानी कि आपको खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड एक जो गैर आवासीय होता है, जो आप उसमें आप बाहर रहेंगे तो आपका जो खाना खर्चा है वो आपका अपनी तरफ से होगा, लेकिन जो आवासीय है आप उस प्रकार से एडमिशन लेंगे तो आपका बिल्कुल फ्री होने वाला है और फीस कोई भी नहीं लगती, स्कॉलरशिप भी मिलता है और 100% प्लेसमेंट भी होता है। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट थे जो मैंने टेलीग्राम पे आपके रीड किए तो मैंने इस वीडियो में आंसर दे दिया है। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।